बच्चन परिवार से नाम जुड़ने पर कोई भी शख्स अपने आप को खुशकिस्मत समझेगा, लेकिन सिनेमा की दुनिया में एक हसीना ऐसी भी थी जो ऐसा होने पर नाराज हो जाती थी। उन्होंने अपनी अदाकारी का परचम फिल्म में कायम कर दिया था। बात हो रही है यहाँ पर एक्ट्रेस रीता बाधुड़ी की, जिनकी आज डेथ एनिवर्सरी है। जी हाँ, 4 नवंबर 1955 के दिन मध्य प्रदेश इंदौर में जन्मी रीता बाधुड़ी अपने करियर में किसी पहचान की मोहताज नहीं रही। उन्होंने नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों किरदार निभाए, अपना दमखम साबित किया। दरअसल वो एक ही सवाल को लेकर काफी नाराज हो जाती थी। रीता का सरनेम बाधुड़ी था, जिसके चलते उन्हें जया बाधुड़ी की बहन समझा जाता था। उनका नाम बच्चन परिवार के साथ जोड़ दिया जाता था। रीता कई बार ये बात बता चुकी थी कि जया बाधुड़ी से उनका कोई लेना देना नहीं है, फिर भी लोग यकीन नहीं करते। इससे रीता बाधुड़ी काफी नाराज हो गई। फिल्म इंडस्ट्री में बाधुड़ी करीब 5 तक एक्टिव रही। उन्होंने सावन को आने दो, राजा, मैं माधुरी दीक्षित बनना चाहती हूँ, मुलाकात, दिल विल, प्यार व्यार, कितनी दूर कितने पास, क्या कहना, होते होते प्यार हो गया, तमन्ना, हीरो नंबर वन, आतंक ही आतंक, जाने जिगर समेत तमाम फिल्मों में उन्होंने अपनी अदाकारी का जलवा दिखाया। बताते चले आप सबको कि रीता बाधुड़ी ने टीवी की दुनिया में भी नाम कमाया। वो बनते बिगड़ते, मंजिल जमीन आसमान, हम सब बराती, थोड़े हैं थोड़े की जरूरत है, कुमकुम, रिश्ते, आज की हाउसवाइफ, सब जानती है आदि सीरियल में नजर आ चुकी है। जिंदगी के आखिरी दौर में वो टीवी शो निमकी मुखिया में इमृति देवी का किरदार निभा रही थी। कहा जाता है कि उस दौरान उन्हें किडनी की दिक्कत हुई, जिसके चलते हर दूसरे दिन उन्हें डायलिसिस के लिए जाना पड़ता था। इसके बावजूद उन्हें बीमारी को काम के आड़े नहीं आने दिया। खराब तबीयत के बाद भी वो शूटिंग के लिए जाती थी। रीता बाधुड़ी ने 17 जुलाई 2018 के दिन दुनिया को अलविदा कह दिया था। नेक्स्ट सन लाइफ की रिपोर्ट।